बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मध्यस्थता कमेटी को 15 अगस्त तक का समय दिया। मध्यस्थता कमेटी ने कोर्ट को रिपोर्ट सौंपी। लोकसभा चुनाव के छठे चरण के लिए चुनाव प्रचार आज शाम खत्म होगा। छठे चरण में रविवार को 7 राज्यों की 59 सीटों पर वोटिंग। वोटिंग के दिन दिल्ली में मेट्रो सुबह 4 बजे से चलेगी। पूर्वी दिल्ली से आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार अतिशी मारलेना की तरफ से गौतम गंभीर पर आपत्तिजनक पर्चे बंटवाने का आरोप लगाया गया। गौतम गंभीर ने अरविंद केजरीवाल और अतिशी को मानहानि का नोटिस भेजा। आईएनएस विराट पर छुट्टी विवाद में प्रधानमंत्री मोदी के दावे को नौसेना के तत्कालीन अधिकारियों एल रामदास और विनोद पसरीचा ने खारिज किया। लक्षद्वीप के तत्कालीन प्रशासक वजाहत हबीबुल्ला ने भी प्रधानमंत्री के दावे को झूठा बताया। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों की बड़ी कामयाबी। मुठभेड़ में एक आतंकवादी की मौत। आतंकी के पास से कई हथियार और गोला बारूद बरामद। मेष लग्न में खुले पवित्र बद्रीनाथ धाम के कपाट। दर्शन को उमड़े श्रद्धालु। और आईपीएल में आज दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच मुकाबला। जीतने वाली टीम फाइनल में मुंबई इंडियंस से भिड़ेगी।